अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, दिस इज़ गुले ज़ारा एंड यू आर वॉचिंग गुल्स कुकिंग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो बच्चों की वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये रेसिपी हम लंच बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मदर्स जो है वो अक्सर परेशान होती हैं कि बच्चों को जो लंच बना के देती हैं फिर नेक्स्ट डे अगर वही वाला मतलब बच्चों को अगर मिल जाए तो बच्चे फिर आगे से ये ब्लेम करते हैं कि ये तो वैसे ही था। तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम बच्चों को कौन कौन सा लंच बना के दें। तो इंशाल्लाह मैं आगे बहुत सी लंच बॉक्स रेसिपीज़ जो है वो शेयर करूँगी और आप ये वाली रेसिपी भी जो है वो लंच बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। देखिए चीज़ें सेम होती हैं लेकिन ये होता है कि हमारा बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये है कि उसके जायके में भी फ़र्क आ जाता है और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पुलाव बनाते हैं, ठीक है, उसमें भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वही वाले। और इसी तरह अगर हम बना रहे हैं बिरयानी तो उसमें भी जो है वो वही वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं लेकिन थोड़े से मसाला जात जो हैं स्पाइसेस उनका फ़र्क होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यानी कि दोनों के टेस्ट में क्या होता है फ़र्क हो जाता है। तो इसी तरह आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको आप एग ब्रेड भी कह सकते हैं, ठीक। तो बहुत ही ज़्यादा क्विक वे है कि आप अपना ब्रेकफास्ट जो है वो बना सकते हैं इसे। और बहुत ही ज़्यादा क्विक वे है कि अगर आपको जल्दी है तो आप बच्चों के लिए जो है वो लंच बॉक्स बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बनाना बताऊंगी दो किस्म के एग ब्रेड में। आपको एक तो नमकीन में बनाना बताऊंगी और एक मैं बता रही हूँ आपको मीठे में। उसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ली हैं जो कि 2 हैं, और इसके अलावा जो मैंने टोमेटो लिया हुआ है, ठीक है, वो इस तरह से चॉप किया हुआ है मैंने, दरमियाना सा लिया था, और 3 एग्स मैंने लिए हैं, और दरमियाने साइज़ का ही जो है मीडियम साइज़ का ही जो अनियन लिया है उसे भी चॉप कर लिया, और ये जो है वो ज़ीरा लिया हुआ है 1 टीस्पून के करीब, और यहाँ पे जो है वो 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, ठीक। और ये कोरिएंडर लीव्स लिए हुए हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पोटैटो बॉयल करके ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा कैरेट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। और ये स्लाइसिस हैं, इनमें से मैं 3 स्लाइसिस लूँगी, जो मैं नमकीन वाली बनाऊँगी उसके लिए मैं 3 स्लाइसिस लूँगी, और 3 स्लाइसिस जो है वो मैं रेड वो उसके लिए सॉरी मीठे वाली के लिए मैं छोड़ रही हूँ। ये इसके साइड पे करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है, ये ब्रेड है मेरे पास, इसे हमने काट लेना है, इस तरह से काट लेते हैं। यकीन माने बच्चे बहुत ज़्यादा इसे पसंद करेंगे, और जब मैंने भी ये फर्स्ट टाइम बनाई थी तो बहुत ज़्यादा तारीफ हुई जी। तो अब मैं इसमें जो है वो मिल्क ऐड कर दूंगी, सारा मिल्क आपने ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है, इतना होना चाहिए कि बस थोड़ा सा जो है ना ये ब्रेड जो है वो हमारी सूखी ना रहे बस। और अब मैं इस तरह से कर रही हूँ कि अब मैं ये वाला जो है बैटर है ये रेडी कर लेती हूँ और बाद में फिर ब्रेड में इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं ब्रेड जो है वो इसमें ऐड कर दूंगी जी। तो यहाँ पे मैंने जो पैन है उसको मैंने हर तरफ से ये देखिए ऑयल से ग्रीस कर लिया, ये बैटर हमने सारा इसमें डाल देना जी। तो अब मैं फ्लेम जो है इसका लो करने लगी हूँ और इसे कवर करने लगी हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक। तो 5 मिनट जो है वो एक साइड के हो गए। अब मैंने एक और पैन लिया और इसे मैंने ऑयल अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, और अब मैं इस तरह से करूँगी कि इस पूरे बैटर को जो है इस तरह से करके इस तरह से उंडेल दूँगी इस पर। जी तो इसको भी मैं कवर कर दूँगी ताकि ये नीचे वाली साइड से भी हो जाए जी। तो ये बारबेक्यू करने के लिए और उसे बहुत से पर्पज़ के लिए स्टिक यूज़ होती है। तो मैं इस तरह से करूँगी कि चेक करने का तरीका बता रही हूँ कि आप ऐसे कीजिएगा और बाद में देखिएगा कि अगर इसके साथ ब्रेड आई है तो इसका मतलब है कि ये अभी नहीं पका, और अगर नहीं आई है तो इसका मतलब है ये रेडी है।
तो अब ये रेडी है जी। तो इधर भी मैंने जो है वो ब्रेड लिए, 3 अदर थी ब्रेड लिए मैंने और 3 एग्स लिए और साथ में 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो मैंने शुगर लिया और मिल्क है मेरे पास। सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि अब ये जो बैटर है सारा ये मैं पैन में डाल दूँगी जी। तो पैन जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब मैं ये सारा बैटर इसमें ऐड कर दूँगी। नीचे वाली साइड हो गई है, अब मैं इसे पलट लेती हूँ। सेम वही तरीका आपने यूज़ करना है, इस तरह से पैन रखा, इस तरह से इसे पलट लेना है। अब 5 मिनट हम इसे भी देंगे, इसे भी हम इसी तरह चेक कर लेते हैं कि ये रेडी है कि नहीं। ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम जो है वो हम ऑफ कर देंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ वो आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारी और दुख से दूर रखें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। आप जो हैं मुझे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।